हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं दुबई में हूँ। और आज मैं जाने वाला हूँ दुबई मरीना वॉक के पास, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक क्रूज शिप बुक किया हूँ। मतलब उस क्रूज शिप को और 40 लोग ने बुक किए हैं, तो टोटल 41 लोग ने वो शिप को बुक किए हैं। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ क्रूज शिप के बारे में। तो बहुत साल पहले मतलब 2024 में टॉम क्रूज ने एक शिप खरीदा था, तो वो शिप उसकी हो गई और उस शिप का नाम टॉम क्रूज शिप था। लेकिन जेरी को पकड़ने के चक्कर में टॉम के पैर पे चोट लग गई और पैर में चोट लगने की वजह से टॉम के सर में दर्द होने लगा। और आप लोग को तो ये बात पता ही होगी, नाखून हफ्ते में 2 बार काटने से आवाज चली जाती है। तो टॉम की आवाज जाने की वजह से टॉम अभी साइलेंट मोड पे है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस शिप का नाम टॉम क्रूज शिप है, लेकिन इस वक्त तो टॉम साइलेंट मोड पे है, इसलिए इस शिप को क्रूज शिप बोलते हैं। लेकिन जिस दिन टॉम की आवाज वापिस आ जाएगी, उस दिन से शिप को टॉम क्रूज शिप ही बोलेंगे। तो टॉम क्रूज शिप में से टॉम को साइलेंट करके करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। आज पूरा दिन मैं मरीना बीच पे था और चलते चलते मैं दुबई मरीना बीच से जुमेरा बीच पे आ गया हूँ। अभी मुझे यहाँ से रिटर्न मरीना बीच जाना है और मरीना बीच से थोड़ी दूर पे है दुबई मरीना वॉक, जहाँ मैंने एक क्रूज शिप बुक किया हूँ। शिप का बोर्डिंग टाइम है 8:30 बजे का और अभी 7 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँ। गोवा के बीचेस पे रेत ज्यादा है, इसलिए रेत पे चलने में मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये एक मैन मेड मरीना है और यहाँ पे ज्यादा रेत नहीं है, तो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर भी मैं काफी दूर आ गया हूँ, तो वापस दुबई मरीना बीच जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। दुबई मरीना बीच और जुमेरा बीच दोनों एक दूसरे से ज्वाइन है, तो पता नहीं चलता कौन सी मरीना बीच है और कौन सी जुमेरा बीच है। वैसे सारी बीचेस सेम ही होती है धोखेबाज, लेकिन सुबह में ये बीच का व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि सुबह में जब सूरज बीच के पास से निकलता है तो एकदम सन ऑफ ए बीच लगता है। लेकिन अभी सूरज डूब गया है, तो सन ऑफ द बीच का सन बीच को छोड़ के चला गया है, लेकिन वादा करके गया है कि कल फिर आएगा। तो छोटी सी कहानी थी सन ऑफ द बीच की। तो सन ऑफ द बीच की कहानी को बताते बताते अभी मैं दुबई मरीना बीच के बाहर आ गया हूँ और यहाँ मुझे एक रियल में सन ऑफ द बीच दिख गया। ये बंदा बैटमैन की गाड़ी को उल्टा चलाता है, ये एक नंबर का ठरकी बंदा है। रोज रात को ये गाड़ी लेके निकलता है और लड़की लोग को देख के जोर जोर से रेस देता है, कोई पकड़ के इसको कूट दे तो मजा ही आ जाए भाई लोग। लेकिन अभी मुझे जाना है दुबई मरीना वॉक के पास। यहाँ पे एक ब्रिज है, वो क्रॉस करके मुझे दूसरे साइड जाना है। ब्रिज सीढ़ी से चढ़ने की वजह से मेरी थोड़ी मतलब थोड़ी हालत खराब हो गई। वैसे लिफ्ट भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे ही अंदर चर्बी थी जो मैं सीढ़ी से चढ़ के आया यहाँ पे। लेकिन अच्छा रहता है बाय वॉक, आपका बॉडी फैट बर्न हो जाता है, लेकिन आजकल लोगों के बॉडी में कम चर्बी रहती है और दिमाग में ज्यादा चर्बी चढ़ी रहती है। तो अभी मैं ब्रिज क्रॉस करके आगे जा रहा हूँ। मुंबई की तरह यहाँ की भी लाइफ बहुत बिजी है, क्योंकि दुबई यूएई का मुंबई ही है। दूसरे स्टेट से लोग मुंबई में अपने सपने पूरे करने आते हैं, वैसे ही मोस्टली एशिया कंट्री से लोग दुबई में आते हैं। बहुत सी चीज कॉमन है मुंबई और दुबई में। जैसे आप लोग देख सकते हैं मुंबई की तरह यहाँ पे ट्रैफिक भी है। दिन में तो इतनी ट्रैफिक नहीं रहती, अभी रात के टाइम पे ट्रैफिक है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। यहाँ ब्रिज के नीचे ही बहुत सारी याट और बोट चल रही है, लेकिन मेरी क्रूज शिप को स्टार्ट होने में अभी टाइम है। यहाँ पे तो एक नंबर लग रहा है भाई लोग, फोटोशूट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ नीचे ही मेरी क्रूज शिप का पिकअप पॉइंट है। दोपहर के टाइम पे मैं यहाँ पे आया था याट पे। याट का एक्सपीरियंस तो एक नंबर था, और याट भी जैसे बुकिंग के टाइम पे ऑनलाइन साइट पे फोटो शो किए थे, सेम वैसी ही याट रियल में भी थी। तो देखते हैं क्रूज शिप भी वैसी ही सेम रहती है कि नहीं। वैसे क्रूज शिप पे डिनर भी इंक्लूड है, तो आज क्रूज शिप पे अकेले कैंडल लाइट डिनर करूंगा मैं। चलो भाई लोग, अभी मैं नीचे जाता हूँ, नहीं तो पता चला मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी क्रूज शिप चले जाएगी। बोर्डिंग पॉइंट के पास आया तो सारे लोग अपनी अपनी क्रूज शिप पे जाने के लिए खड़े हैं। कुछ लोग से बात करने के बाद मुझे मिल गया अलेक्जेंड्रा क्रूज शिप का इंचार्ज, और उसने मुझे बोला कि मुझे अलेक्जेंड्रा 1 में जाना है। बुकिंग के टाइम पे अलेक्जेंड्रा क्रूज शिप बुक किया था, लेकिन यहाँ पे अलेक्जेंड्रा नाम से 2 शिप अवेलेबल है, उसमें से मुझे अलेक्जेंड्रा क्रूज शिप 1 में जाना है। और ये है अलेक्जेंड्रा 2 क्रूज शिप 1। बहुत जबरदस्त लग रही है ये क्रूज शिप, दुल्हन की तरह सजी हुई है। अभी बहुत सारे लोग इस पे चढ़ेंगे, मतलब रोज इस पे बहुत सारे लोग चढ़ते हैं और 2-3 घंटे में थक के उतर जाते हैं, लेकिन लोगों को बहुत मजा आता है ये क्रूज शिप पे, क्योंकि ये शिप बहुत स्ट्रांग है, सबको संभाल लेती है। ये शिप में और मेरे एक्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, वो भी बहुत स्ट्रांग थी और उसपे भी बहुत सारे लोग, खैर छोड़ो जाने दो। ये शिप का लोअर डेक है, यहाँ पे सबका सीटिंग अरेंजमेंट है और डिनर के लिए यहाँ पे स्टार्टर और मेन कोर्स लगा हुआ है, लेकिन मैंने तो अपर डेक बुक किया हूँ, तो चलो चलते हैं ऊपर। सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे भी सेम ही है, बस ओपन एरिया है। वेटर भैया ने मुझे मेरा टेबल नंबर बता दिया और मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। अभी ज्यादा लोग आए नहीं है क्योंकि शिप स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन इन लोग ने जूस देना स्टार्ट कर दिया है। भाई लोग, एप्पल जूस है, गलत मत समझो। टेबल पे स्पून और बिना धार वाली चाकू रखी हुई है। 2-3 बार मैंने बाजू वाले के हाथ की नस काटने की कोशिश किया, लेकिन नहीं कटा। पता नहीं क्यों इन लोग ने बिना धार वाली चाकू यहाँ पे रखी है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और खाने के लिए स्टार्टर टेबल पे सर्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। दुबई में 2 जगह क्रूज शिप रात में अवेलेबल रहती है, एक दुबई क्रीक और दूसरा दुबई मरीना पे। दुबई क्रीक ओल्ड दुबई में है और दुबई मरीना को न्यू दुबई भी बोल सकते हैं। दुबई क्रीक पे क्रूज शिप का रेट दुबई मरीना के कंपेयर में आधा रहता है, लेकिन दुबई क्रीक पे आप लोग को ये व्यू नहीं मिलेगा। और बात करें
एजेंडा 2 क्रूज शिप की, तो ये एक प्रीमियम शिप है। इसका रेट थोड़ा ज्यादा रहता है बाकी क्रूज शिप से कंपेयर में, लेकिन शिप की कंडीशन, फूड क्वालिटी और स्टाफ की सर्विस टॉप नॉच है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग दुबई मरीना पे शिप बुक करो तो अलेक्जेंड्रा डाउ क्रूज शिप भी बुक करो। तो फाइनली अभी शिप स्टार्ट हो गई है बाय ऑनलाइन, तो अलेक्जेंड्रा डाउ क्रूज शिप का रिव्यू बहुत अच्छा था इसलिए मैंने ये क्रूज शिप बुक किया था। तो चलो जानते हैं क्रूज शिप में क्या क्या इंक्लूड है। अलेक्जेंड्रा डाउ क्रूज शिप डेली चलती है, इसका बुकिंग प्राइस 4,000 रुपीज के अप्रोक्स रहता है। शिप में 2 ऑप्शन अवेलेबल रहता है, एक लोअर डेक जो फुली एसी रहता है और उसका रेट थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू अपर डेक के। ऑब्वियसली अपर डेक का रेट थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लोअर डेक। अपर डेक ओपन रहता है, फोटोशूट के लिए ज्यादा प्रेफरेबल अपर डेक रहता है जिसमें 5 साल से छोटे बच्चे की एंट्री फीस फ्री है, मतलब बच्चे के साथ कोई बड़ा होना चाहिए जिसने टिकट लिया है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि चलो डेली अपने छोटे बच्चे को फ्री में क्रूज शिप पे भेज दो। इसमें अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक और डिनर इंक्लूड है, फूड क्वालिटी एक नंबर है भाई लोग, मेरा तो स्टार्टर और एप्पल जूस से ही पेट भर गया है। 6-7 वेरायटी के मेन कोर्स भी है और स्वीट में फ्रूट और केक अवेलेबल है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो लाइव तनूरा डांस शो होता है, और ऑप्शनल चीजों की बात करें तो अगर आप लोग दुबई मरीना के आसपास है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, और अगर आप लोग दूर रहते हैं तो पिक और ड्रॉप अपने होटल से भी ले सकते हैं। उसका 40 दिरहम पर पर्सन एक्स्ट्रा लगता है और छोटे बच्चों का 35 दिरहम एक्स्ट्रा लगता है। बोर्डिंग टाइम की बात करें तो 8:30 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैं 8 बजे आया था तो मुझे अंदर जाने दिए थे, और यहाँ से क्रूज शिप डिपार्ट हो जाती है 9 बजे और वही 5-6 पॉइंट पे लेके जाती है, और हर पॉइंट पे थोड़े देर रुकती है ये क्रूज शिप और रिटर्न रात में 10:45 को आ जाती है। लेकिन भाई लोग मैं ये टाइम दुबई का बता रहा हूँ, इंडिया से दुबई का टाइम डिफरेंस 1.5 घंटे का रहता है, दुबई 1.5 घंटा पीछे है इंडिया से, तो फ्लाइट बुक करने के टाइम पे ध्यान से सिलेक्ट करना। क्रूज शिप पे खाना स्टार्ट हो गया है, मैंने एक प्लेट में फ्रूट और केक लेके बैठ गया हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद तानूरा डांस शो होने वाला है। इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मे बी आज का दिन इसका अच्छा नहीं हो, हम लोग उसको एक परफॉर्मेंस से जज नहीं कर सकते हैं, और मे बी ये गंदा ही परफॉर्म करता हो, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन डेजर्ट सफारी ट्रिप में बंदे ने एक नंबर किया था तनूरा डांस। तनूरा शो होने के बाद हम लोग 4-5 सेल्फी पॉइंट के लिए निकल गए हैं। अभी हम लोग दुबई मरीना बीच के पास आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये है कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा टेसरेक क्यूब, थेनोस इसकी तलाश में है लेकिन लोकी ने इसे क्रूज शिप पे छुपा दिया है। सारा दिन घूमने के बाद मैं थक गया था तो मुझे एक पीसफुल जगह जाना था, और एक क्रूज शिप से बेहतर और कौन सी पीसफुल जगह होगी। वैसे तो पीसफुल जगह बहुत सारी है, फीमेल बेस्ट फ्रेंड की बाहों में भी बहुत सुकून मिलता है, लेकिन उसके बीएफ को ऐसा पसंद नहीं है इसलिए मैं रात के टाइम पे क्रूज शिप बुक कर लिया हूँ। वैसे फीमेल बेस्ट फ्रेंड वाली बात हाइपोथेटिकल है क्योंकि मैं लड़की लोग से बात करने के टाइम पे बहुत नर्वस हो जाता हूँ, लड़की से मेरा मतलब थी खूबसूरत लड़की। खूबसूरत लड़की बिल्कुल इस अलेक्जेंड्रा क्रूज शिप की तरह। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये शिप का नाम स्टार्ट में टॉम क्रूज शिप बताया था और अभी मैं अलेक्जेंड्रा डाउ क्रूज शिप बता रहा हूँ, तो उसके पीछे नहीं आगे एक कहानी है। तो वो कहानी ये है कि जब टॉम क्रूज शिप पे टॉम साइलेंट मोड पे चला गया था,
तब उसके रिलेटिव लोग ने चाल चल के टॉम की शिप को अलेक्जेंड्रा को बेच दिए थे, इसलिए अब से शिप का नाम अलेक्जेंड्रा डाउ क्रूज शिप है। अलेक्जेंड्रा डाउ क्रूज शिप इसलिए है क्योंकि दो शिप है, और अलेक्जेंड्रा द ग्रेट होने से पहले अलेक्जेंड्रा शिप खरीदता बेचता था, लेकिन जब से अलेक्जेंड्रा को टॉम की शिप मिल गई है तब से वो अलेक्जेंड्रा द ग्रेट बन गया है। यार मैं ऑनलाइन एक लड़की से बात कर रहा था तो वो बोलती है तमीज से बात करो। मैं उसको बोला मेरे फ्रेंड लिस्ट में तमीज नहीं है, तुम्हारे लिस्ट में है तो मुझे सजेस्ट करो तो मैं उससे बात करूँ। मैं सिर्फ उससे इतना ही पूछा था कि तुम कहाँ रहती हो, तो उसने बोली कि घर में रहती हूँ। मैंने बोला कि औकात में रहा करो। जोक सपाट, मैं लड़की लोग की बहुत इज्जत करता हूँ जब तक उन लोग कुछ बोलती नहीं है। यार अलेक्जेंड्रा डाउ क्रूज शिप पे मुझे बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने इस शिप पे। बस साथ में एक लड़की की कमी थी जो मेरी फोटो ले सके और मैं उसकी ले सकूं, आई मीन फोटो भाई लोग। जितना इसका बुकिंग प्राइस था शायद उससे ज्यादा का खाना ही खा लिया मैंने इस शिप पे। भाई फुल पैसा वसूल है। तुम लोग अगर सपना देख रहे हो दुबई में क्रूज शिप पे आने का, तो भाई लोग सपने में जरूर अलेक्जेंड्रा क्रूज शिप ही बुक करना। सपना देखना चाहिए भाई लोग, सपना देखने का पैसा नहीं लगता जब तक सपना सामने से ना बोल दे कि देखने का पैसा लगेगा। लेकिन भाई लोग सपना टूटता है तो दिल तो जलता है, थोड़ा दर्द होता है फिर भी चलता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।